नमस्कार, यूवीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों का। छत्तीसगढ़ से रमेश चेलक की रिपोर्ट। ये समाचार बालोद जिले के ग्राम पंचायत अरमारी कला का है। गुरु ब्लॉक के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अरमारी कला में टीकाकरण सत्र के लाभार्थियों का बहुत ही भीड़ देखने को मिली। सभी लोग पंजीयन पश्चात अपना वैक्सीन लगवा रहे हैं और जिम्मेदारी दिखा रहे हैं। उसी दौरान में देखा गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य अरमरी कला की वैक्सीनेशन की सहायक बिल्डिंग का छत पूरी तरह जर्जर हो चुका है एवं वहां से बारिश का पानी धीरे धीरे टपक रही है, जिसके चलते वैक्सीनेशन में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बैठने के लिए जगह भी नहीं है, जगह पूरी तरह गीला ही हो चुकी है एवं जहां वैक्सीनेशन लग रहा है वहां भी पानी टपकने की वजह से वैक्सीनेशन में दिक्कत हो रही है। इस समस्या को निरीक्षण के दौरान वहां पहुंचे बीपीएम योगेश साहू एवं बीईटीओ उर्वशा सर वहां पहुंचे और उस समस्याओं को देखते हुए योगेश साहू ने कहा है कि वास्तव में देखा गया है कि बारिश के दौरान यहां की छत टपक रही है। इस समस्या के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। साथ में पीएससी अरमरी कला के आरएमए सीपी देशमुख ने कहा है कि ये भवन की मरम्मत का कार्य को हमने एक बार कराया था, उसके बाद भी समस्या उत्पन्न हो रही है। मरम्मत के कार्य के पश्चात समस्या के निराकरण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। निरीक्षण के दौरान वैक्सीनेटर दीपिका सिन्हा अडल सर, पंजीयक विश्वकर्मा सर, कोमेश्वरी साहू, घनश्याम भारती, भूनिका साहू, अर्चना साहू, वेरीफायर मोहपत साहू एवं रासेव स्वयंसेवक प्रताप सिंह सारवा एवं मितानीन व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रही। जो सीजन है यहाँ का भवन बहुत पुरानी हो चुकी है, जर्जर है और कोविड टीकाकरण सेशन हमारा यहाँ पे स्टार्ट करने की उद्देश्य है कि हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन बारिश के दिन में जो टपक रही पानी जरूर पाने दिक्कत हो रही है, लेकिन इनकी जो व्यवस्था है दीपाल वगैरह करके उनको आगामी दिनों में कर लिया जाएगा। मैं तैयार हूँ। यहाँ पर जो कोई वैक्सीनेशन है ना, बरसात के मौसम में पानी टपक रहा है यहाँ पर, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी और जो भी यहाँ पर व्यवस्थाएँ हैं दुरुस्त की जाएगी। मेरा नाम योगेश कुमार साहू, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर। देख रहे हैं जैसे कि आप लोग है ना, यहाँ पर पानी टपक रहा है लगातार, उसके लिए थोड़ा असुविधा भी हो रही है, मरीजों को भी हो रही है और टीकाकरण करने में भी हो रही है। इसके लिए हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे और उच्च अधिकारी को अपन पत्र जो है इसके लिख रहे हैं, भिजवाना है ना, और इसको जल्दी से जल्दी अपन इसको इस समस्या को दूर करेंगे ताकि सुचारू रूप से चले, क्योंकि यहाँ पर भवन की तो समस्या है और ये भवन जो है बहुत पुराना हो चुका है, इस कारण समस्याएं और हैं, लेकिन जैसे भी हो सके इस समस्या को अपन अतिशीघ्र दूर करने का प्रयास करेंगे वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में। और मैं सीपी देशमुख, ग्रामीण चिकित्सा सहायक प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अरमरी।